हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो के अंदर एक इंटरेस्टिंग टॉपिक में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, दैट इज कॉल्ड आईएलटीएस स्पीकिंग। तो बहुत सारे बच्चे हैं जिनको आईएलटीएस की स्पीकिंग के अंदर प्रॉब्लम आती है, वो स्टक हो जाते हैं 5.5 पे। तो आज कुछ ऐसा बताने वाला हूं जिसको फॉलो करके आप डेफिनेटली 6.5 या 7 तक अपना बैंड स्कोर लेके जा सकते हो। सो बने रहिए मेरे साथ। चैनल को देखो नीचे, आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, बेल के ऊपर प्रेस नहीं किया तो प्रेस कर दो। जनरली मैं अपने इस चैनल पे गुरु एकेडमी पे आईएलटीएस रिलेटेड वीडियोस अपलोड करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला काम जो आपने करना है, जब भी आप एक ट्रेनर को अपनी स्पीकिंग सुनाते हो, स्पीकिंग देते हो, तो उससे पूछो कि सर मेरी मिस्टेक्स कहाँ पे हैं, जो आप स्कोर मेरे को दे रहे हो इसमें कमियां क्या हैं, कि ग्रामर में एरर्स होती हैं, फ्लुएंसी नहीं है, प्रोनंसिएशन मेरी सही नहीं है, या मेरे जो आइडियाज हैं वो टू द टॉपिक नहीं होते, आंसर्स मेरे आउट ऑफ द टॉपिक इररिलेवेंट होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपने पेन डाउन करनी है, नोट डाउन करनी है कहीं पे, और उसके बाद फिर शुरू हो जाओ। जनरली बच्चे हेजिटेट होते हैं बोलने में, या फिर व्यूज नहीं मिलते हैं, या फिर ग्रामर एरर्स होती हैं। तो पहले अपने वीक एरियाज जो हैं उसको फाइंड आउट कर लो। ऐसा नहीं है कि आपको सभी में प्रॉब्लम हो, कि आपकी ग्रामर भी नहीं अच्छी, आपकी फ्लुएंसी भी नहीं अच्छी, आपकी प्रोनंसिएशन भी नहीं अच्छी, आपके आइडियाज भी नहीं अच्छे। बहुत सारे स्टूडेंट्स के आइडियाज बहुत कैंट होते हैं लेकिन वो प्रेजेंट नहीं कर पाते अकॉर्डिंग टू ग्रामर, या फिर हेजिटेट होते हैं, फ्लो नहीं बनता। तो सबसे पहला काम तो आपने यही करना है कि आपके अंदर प्रॉब्लम कहाँ पे है। दवाई तभी देंगे ना जब आपको पता लगेगा कि दर्द कहाँ पे हो रहा है या दर्द का कारण क्या है। तो पहले ये फाइंड आउट कर लो, उसके बाद मैं वन बाय वन आपको बताता हूँ कि अगर आपकी ये चीज वीक है तो क्या करो, ये चीज वीक है तो क्या करो। सबसे पहले अगर आपकी ग्रामर वीक है, मान लो आपके टीचर ने बोला है कि बेटा तेरा ना सेंटेंस नहीं सही बनते, आइडियाज तो तेरे बहुत वधिया होते हैं, आइडियाज आपके बहुत अच्छे होते हैं, आपकी फ्लुएंसी भी ठीक है, प्रोनंसिएशन भी वर्ड्स की ठीक कर लेते हो, लेकिन ग्रामर वाले पार्ट में मार खा रहे हो, तो इसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि करना क्या है। आपने सिंपल ग्रामर को स्टडी करना शुरू करना है। बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स भी हैं, मैं भी प्रोवाइड करता हूँ, और बहुत सारी सिंपल कोई भी बुक उठा लो ग्रामर की, उसमें सिंपल सेंटेंसेस, टेंस, उसके बाद पैसिव वॉइस और मोडाल हो गए, कैन कुड शुड वुड और उनके पैसिव हो गए, ये सारे टॉपिक स्टडी करना शुरू कर दो। और शुरू करना ऐसे है कि इनको जस्ट पढ़ के ये नहीं छोड़ना, रिलेट करना है आपने। जनरली बच्चे जब ग्रामर पढ़ते हैं ना तो ग्रामर में वो परफेक्ट हो जाते हैं, लेकिन जब इम्प्लीमेंट करने की बात आती है तो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। कोई भी टेंस सीखो या कोई भी स्ट्रक्चर सीखो आप, तो उससे रिलेटेड स्ट्रक्चर्स आपको बहुत जगह मिल जाएंगे। बहुत सारी बुक्स पढ़ी हैं आपके पास इंग्लिश की, कोई नॉवल उठा लो, कोई आपकी 10th 12th 11th की बुक उठा लो, आपके पास स्पीकिंग की एक हैंडबुक होती है वो उठा लो, कहीं से भी देखो और वैसे सिमिलर सेंटेंसेस आप देखो, कम से कम 15-20 सेंटेंसेस वैसे देखो और खुद से वैसे सेंटेंसेस फॉर्म करने की कोशिश करो। इस वे में आपने ग्रामर इम्प्रूव करनी है। और एक ना बात ध्यान रखना, जनरली बच्चे जब ग्रामर सीख रहे होते हैं तो स्पीकिंग करते टाइम ग्रामर को एक्यूरेट करने की कोशिश करते हैं, तो ये गलती आपने बिल्कुल नहीं करनी। ध्यान से सुन लो, कान खोल के सुन लो कि स्पीकिंग करते टाइम जब आप टीचर को सुनाओगे उस टाइम आपने ग्रामर का कीड़ा दिमाग से निकाल देना है, सिर्फ आपने नोटबुक के ऊपर ग्रामर को इम्प्रूव करते चलना है, तो धीरे धीरे आपकी स्पीकिंग के अंदर ग्रामर सुधरना शुरू हो जाएगी। आफ्टर 15 डेज आप अपने टीचर से फीडबैक लो, डेफिनेटली आपका टीचर बताएगा कि पहले से तू बेटर है, तेरे को और ये करने की जरूरत है। अब सेकंड आपको फीडबैक मिल सकता है कि बेटा तेरी ना प्रोनंसिएशन नहीं ठीक। तो प्रोनंसिएशन के अंदर आपसे आईएलटीएस दो चीजें मांगती है, कि एक तो आप प्रोनाउंस सही करो वर्ड्स को, जैसे प्रोनंसिएशन, मैं बोल रहा हूँ ना प्रोनंसिएशन, तो ये सही करेक्ट इसकी प्रोनंसिएशन है, आप प्रोनाउंसिएशन बोल रहे हो तो दिस इज रॉन्ग। तो करना क्या पड़ेगा आपको, हार्डवर्क करना पड़ेगा, और क्या करना पड़ेगा, है ना। करना कैसे हार्डवर्क, आपने डेली के कम 20 वर्ड्स लिखने हैं जिनकी प्रोनंसिएशन के अंदर आपको प्रॉब्लम है, तो एक नोटबुक उसकी प्रिपेयर करिए जिसमें 20 वर्ड्स लिखो, उनकी प्रोनंसिएशन आप अपने ट्यूटर से पूछ सकते हो, गूगल के ऊपर जाके प्रोनंसिएशन सर्च कर सकते हो, यूट्यूब के ऊपर जाके कर सकते हो। तो डेली उनकी प्रोनंसिएशन देखो और बार बार बोलते रहो, दोहराते रहो उनको, बार बार सही करने की कोशिश करते रहो।
धीरे धीरे आपके पास बहुत सारे वर्ड्स की सही प्रोनंसिएशन आने लगेगी। सेकंड प्रोनंसिएशन के अंदर आपने ध्यान रखना होता है कि जब आप बोलते हो तो कुछ वर्ड्स के ऊपर स्ट्रेस देना होता है, किसी के ऊपर लूज करना होता है, तो ये भी आप नेचुरली बोलने की कोशिश करो। जब आपने कोई चीज जोर दे के इम्पोर्टेंस शो करनी है तो आप उसको स्ट्रेस देते हो, आवाज आपकी जो है अप हो जाती है। तो प्रोनंसिएशन के अंदर एक तो सही करेक्ट प्रोनाउंस करना है वर्ड को, और सेकंड आपने नेचुरली जो आपका पेस है, जो आपका आवाज है, वो कम ज्यादा करनी है, स्ट्रेस देना है वर्ड्स के ऊपर। तो प्रैक्टिस इस तरह से करते रहो कि आप नोटबुक प्रिपेयर करके जो वर्ड्स आपको नहीं आते बोलने उनको बार बार बोलते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो, एटलीस्ट 20 डेली की, तो कुछ दिनों में आपकी प्रोनाउंसिएशन सुधर जाएगी डेफिनेटली। अब नेक्स्ट जो आपकी इंप्रूवमेंट करने का एरिया है, दैट इज फ्लुएंसी एंड कोहेरेंस। मतलब टीचर आपको बोलता है कि बेटा तेरी प्रोनाउंसिएशन भी बहुत बढ़िया है, तेरी ग्रामर भी अच्छी है, लेकिन प्रॉब्लम तेरी कहाँ पे आ रही है कि या तो तू आउट ऑफ द टॉपिक चला जाता है या फिर तेरी फ्लुएंसी मेंटेन नहीं रहती, अब बीच में से स्टक हो जाते हो या फिर आप बार बार सेल्फ करेक्ट करते हो, रिपीटेशन करते हो। सेल्फ करेक्ट नहीं करना आपने, मतलब जो बोल दिया सो बोल दिया। सेल्फ करेक्ट तब करते हो जब आप अपनी ग्रामर बोलते टाइम सही करते हो। तो ये मैं पहले भी ग्रामर के अंदर बोल के आया हूँ कि ग्रामर सीखो, नोटबुक के ऊपर सीखो, सिर्फ दिमाग में आपके ग्रामर इंप्रूव होनी चाहिए, लेकिन स्पीकिंग करते टाइम कोशिश करो कि आपने कुछ भी वहां पे फॉर्म नहीं करना, जो आपको आता है नेचुरल बोलते जाओ विद अ कॉन्स्टेंट स्पीड। कॉन्स्टेंट का मतलब मेरा ये है कि आपने एक स्पीड मेंटेन करनी है, जैसे अपने नॉर्मल लैंग्वेज के अंदर बात करते हैं हिंदी पंजाबी या कोई भी मदर टंग के अंदर, तो जिस फ्लो के साथ नेचुरली बोलते हो उसी फ्लो के साथ बोलना है। अगर आप कुछ इंफॉर्मेशन सोचने के लिए थोड़ा टाइम ले रहे हो, दैट इज नॉट रॉन्ग, लेकिन अगर आप सेंटेंसेस बनाने के लिए रुक रहे हो या फिर सही करके वापस आ रहे हो, देन आपकी फ्लुएंसी के अंदर स्कोर नहीं आएगा। और फिर है आपके आइडियाज टू द टॉपिक। जनरली कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट ना क्वेश्चन सुनते ही टाइम नहीं लेते बिल्कुल भी, शुरू कर देते हैं आंसर हाफ बात सुन के ही, कई बार पूरा क्वेश्चन सही से समझते ही नहीं है तो आपका जवाब आउट ऑफ द टॉपिक चला जाता है, एग्जैक्टली जो एग्जामिनर ने आपसे पूछा वो नहीं बोलते हो। तो इसके लिए प्रैक्टिस यही करनी है कि आप जब भी टीचर आपको क्वेश्चन पूछ रहा है ध्यान से सुनो, और ध्यान से सुनने के बाद एग्जैक्टली जो पूछा है वही आंसर देने की कोशिश करो। डेली बेस पे ऐसा करोगे तभी पॉसिबल हो पाएगा। और फ्लुएंसी को इम्प्रूव करने का तरीका ये है कि आप डेली 15 से 20 मिनट एक बुक रीड करिए। बुक रीड करने से पहले उसके अंदर जो भी डिफिकल्ट वर्ड्स आ रहे हैं उनको पहले प्रोनाउंस करके तैयार कर लो, लेकिन जब आपने बोलना है तो फ्लो के साथ बोलना है, रुकना नहीं है बीच में, चाहे आपको उसका मीनिंग समझ आ रहा है नहीं आ रहा डजंट मैटर, लेकिन आपने उसको फ्लो के साथ पढ़ना है पैराग्राफ। डेली फिक्स कर लो 20 मिनट्स के लिए आपने पैराग्राफ रीड करना है, रीड अलाउड आपने ऊंची ऊंची बोल के पढ़ना है और फ्लो के साथ पढ़ना है। डेली 20 मिनट इसको लगा दो, आपकी फ्लुएंसी कुछ ही दिनों में इंप्रूव हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं अपने लास्ट, लेक्सिकल रिसोर्सेज। लेक्सिकल रिसोर्सेज के अंदर आपके पास ना वर्ड्स ज्यादा होने चाहिए। तो वर्ड्स ज्यादा कैसे होंगे, मतलब ऐसा तो नहीं है कि ये 2000 वर्ड का इंजेक्शन है, टोक दो और आपको कल 2000 वर्ड आने लगे। इसका तरीका सिंपल है कि आपने डेली नेचुरली 20-25 वर्ड्स एक नोटबुक के ऊपर लिखने हैं। ये नोटबुक से लगा लोगे ना, पेपर वर्क करना शुरू कर दोगे तो मेंटली स्ट्रेस है जो आपके ऊपर प्रिपरेशन का कि मेरे से हो नहीं रहा, वो काफी रिलीज हो जाएगा। 20 वर्ड्स डेली लिखने हैं और उनके मीनिंग देख लो, उनका कॉन्टेक्स्ट माइंड में रख लो कि ये कहाँ पे यूज होते हैं और इनका एग्जैक्टली मीनिंग क्या है और ये फॉर्म किस में है, ये नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, किस फॉर्म में ये यूज होते हैं, एग्जैक्टली इसकी फॉर्म क्या है। बस 20 वर्ड आपने लिख लो और हो सके तो थोड़ा सा हार्डवर्क और कर सको तो उनसे मिलते जुलते एग्जाम्पल सेंटेंसेस लिख लो। वर्ड लिखा, उसका मीनिंग लिखा, और मीनिंग में कोशिश करो कि आप डेफिनेशन लिखो इंग्लिश के अंदर, हिंदी मीनिंग लिखना छोड़ दो। जब आप इंग्लिश के अंदर डेफिनेशन लिखोगे तो कुछ और वर्ड्स भी आपके सामने आएंगे जिनका मतलब आपको जाने अनजाने ऐसे ही ध्यान में आ जाएगा। और दूसरा, हिंदी से या पंजाबी से पीछा छोड़ोगे तभी इंग्लिश के अंदर कमांड बना पाओगे। तो डेली 20 वर्ड आपने लिखने हैं विद एक एग्जांपल सेंटेंस, और जब भी आप अगले दिन के 20 लिखो तो पिछले 2 या 3 दिन के जो भी लिखे हों उनको एक बार रिकॉल कर लो। तो कुछ दिन में जब वो रिपीट होंगे तो आपको या तो वो वर्ड माइंड में आ जाएगा,
अगर नहीं आएगा तो आपको लगेगा कि मैंने कहीं ना कहीं देखा था। जब आप अपनी डायरी उठा के देखोगे उस टाइम आपके माइंड में वो वर्ड छप जाएगा। वोकैबुलरी इस तरह से इंप्रूव होती रहेगी। कुछ इडियम्स रेडी करो स्पीकिंग के लिए। इडियम्स के अंदर आपने ध्यान रखना है कि नेचुरली यूज होना चाहिए। 2-3 इडियम्स आप अगर अपनी स्पीकिंग के अंदर यूज करते हो, लेकिन सिचुएशन बहुत मैटर करती है। ये उस हालात के अंदर एग्जैक्टली यूज होने वाले इडियम्स हों, ऐसे नहीं लिस्टें रट्टा लगा ली, मीनिंग रट्टा लगा लिया, ऐसे करने का कोई फायदा नहीं है। नेचुरली प्रिपेयर करो इडियम्स को। इडियोमेटिक लैंग्वेज अगर यूज करते हो, वोकैबुलरी के अंदर आप लेस कॉमन वर्ड्स को ऐड करते हो और सही जगह पे सही वर्ड, राइट वर्ड ऑन द राइट प्लेस अगर आप यूज कर पाते हो तो डेफिनेटली आपको वोकैबुलरी के अंदर अच्छा स्कोर मिलेगा और आपकी वोकैबुलरी इस वे में धीरे धीरे बूस्ट होती रहेगी। तो एट द एंड गोल्डन टिप ये है, मान लो आपके स्पीकिंग के अंदर 4 बैंड भी आ रहे हैं, 4.5 आ रहे हैं, 5 आ रहे हैं, तो इसको सुधारने का यही तरीका है कि वीडियो को देखते ही कॉपी पेन उठाओ, अपनी प्लानिंग कर लो और कल से ही करना शुरू कर दो। डोंट वेस्ट टाइम, शुरुआत करनी मुश्किल है, शुरुआत कर दो, टुकड़ों के अंदर तोड़ लो। अपने जो ट्यूटर हैं, एग्जामिनर हैं, उनको ये बोलो कि मेरे को स्कोर अगर 0.5 भी इंक्रीज हो रहा है तो मेरे को इंक्रीज करके दो। मान लो आज आप 4 पे हो, नो प्रॉब्लम, 4 वाला भी 7 पे जा सकता है, 8 पे जा सकता है। टीचर को बोलो कि जब भी आपको लगे कि मेरे में 0.10 की इम्प्रूवमेंट आई है तो आप मेरे को बता देना। आप छोटे छोटे टुकड़ों में टारगेट अपना डिसाइड कर लो कि मैंने 4 से 4.5 पहुंचना है अगले 15 दिन में। फिर आगे डिसाइड कर लो 4.5 से 5 पहुंचना है मेरे को अगले 15 दिन में। 1 मंथ के अंदर 1 बैंड स्कोर आपका इंप्रूव हो गया। फिर आगे टारगेट डिसाइड कर लो 15 दिनों का। तो करते करते आपको ये नहीं पता लगेगा कि कब आपका स्कोर इंप्रूव हो गया। शुरुआत कर दो, शुरुआत ही मुश्किल होती है। जब करना शुरू कर दोगे, टाइम देना शुरू कर दोगे तो ऑटोमेटिक इंप्रूव हो जाएगी। आपका जो मिर्जा है ना, वो सोया हुआ है, मिर्जा जगा लो, आपका स्कोर सुधर जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।